Dummy like a Hellcat. Hey guys, welcome back to our channel. So I'm very happy that one of Apoorva's wishes has finally come true, as his parents have gifted him a bike, which is Yamaha MT-15. So as his birthday is coming soon, and even it was occasion of Dasra, he finally bought this bike a few days back. So this vlog will be all about glimpses of his bike and will be continued with a chill vlog. हेलो गाइस, सो ये है नया यमहा MT-15 2020 BS6 वर्जन में। ये बाइक आता है 155 cc में। एकदम कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन दिया हुआ है यमहा ने। इसका जो अलॉय रिंग्स है वो आता है फ्लोरोसेंट ऑरेंज, और हम रेड भी कह सकते हैं। ये पूरे रेड नहीं है, बट ऐसा रेड ऑरेंज का मिक्सचर है। इसका जो ये टेल लैंप है एकदम मस्त दिया है उन्होंने। और यस, ये मुझे एक नया पसंद आया यमहा का। उन्होंने नेगेटिव डिस्प्ले दिया है MT-15 में, जो जिसमें हमें आता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, और उसका ब्रीफिंग में बाद में आपको बताऊंगा। इसका जो ओवरऑल व्यू है वो मुझे बहुत ही सही लगा। उन्होंने राइट साइड पे दिया है MT-15 का ब्रांडिंग विथ यमहा का लोगो, और उसके अपोजिट साइड पे है यमहा MT-15 का ग्राफिकल स्टिकर। हमें उसके साथ आता है इंजन का कवर। यूजुअली इसका यूज़ हमें रेनी सीजन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, इसका जो फ्रंट व्यू है, वाह, पूरा ऐसा ट्रांसफॉर्मर्स का लुक दिया हुआ है उन्होंने, जैसे कि बम्बल बी का फेस टाइप। इसके साथ हमें आता है सिंगल चैनल ABS, वो ABS का रिंग है छोटा वाला। और यस, इसका इंजन और R15 का इंजन दोनों भी एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसके इंजन में। ये बाइक का पिकअप भी एकदम फटाक से है, कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है, और इसका ग्राफिक्स एकदम कड़क दिए उन्होंने, और सिंपल डिस्प्ले रखा है उन्होंने, कुछ मगजमारी नहीं की है। और हाँ, एक बात यहाँ का अच्छा है कि उसका जो हैंडलिंग है वो भाई 10/10 है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसको हैंडलिंग में। ये पूरा उन्होंने ऐसे एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक फील दिया हुआ है, और इसका जो ग्रिप वगैरह भी है, माय गॉड, एकदम कड़क ग्रिप दिया है उन्होंने। और ये उसका फ्रंट लुक, ये आता है कूलेंट इंडिकेटर लैंप्स, मिरर्स। एक बार इसके एग्जॉस्ट का हम साउंड लेते हैं। सब ब्रीफिंग देता हूँ। फ्रंट पैनल में इस पे आता है ये किलर स्विच राइट साइड पे,
अपर डिपर आता है अपने लेफ्ट साइड पे। इसका हॉर्न और इंडिकेटर ऊपर नीचे है नॉर्मल बाइक्स के हिसाब से। हॉर्न ऊपर आता है और इंडिकेटर नीचे आता है इसका, बस थोड़ा सा वो चेंज किया है उन्होंने। इसमें ऐसे पैर वेयर एकदम परफेक्टली कॉम्पैक्ट से अंदर बैठ जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ पूरा एरोडायनामिक हमें व्यू मिलता है उससे। ये एरोडायनामिक टेल्स है उसके, बेसिकली रेसिंग के लिए वगैरह ये यूज़ होते हैं। ये साइड पे पिलियन सीट पे जो बैठेगा उसको हैंडल्स दिए है पीछे। इसका पिलियन सीट थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, मतलब उतना तो एडजस्ट करेंगे। और हाँ, इस पे मम्मी वगैरह ये लोग तो नहीं बैठ सकते, पर हाँ अगर आपको गर्लफ्रेंड हो या कोई मतलब दोस्त वगैरह हो, आप वो बैठ सकते हैं इस पे, इसके पीछे। मुझे तो है नहीं गर्लफ्रेंड, पर हाँ चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। So I'm already at Apurva's place and we cannot go like far away to for a ride. So we are going just nearby for a quick ride and we'll be back soon. So we are going now. Hello. चलो You were the one that I found Sola vanda solite po Why didn't you tell me enough Sola vanda solite po I ponder in closure Remember The world that is out there for me to find Let me go passing by With smiles all around In the vanam nan paka vendum I'll run free Into the sea World and me Don't even know what I will find Let me go passing by Let me go come back in time Let me be who I am This time, let me go passing by. Let me go come back in time. Walk in the dark, barefoot in the गाइज़, ये था यमहा MT-15 का ओवरव्यू। अगर किसी को इस बाइक के बारे में और जानना है या कोई और सजेशंस लेना है बाइक के बारे में, यू कैन पिंग मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और हाँ, जो भी नए हैं इस चैनल पे, डोंट सब्सक्राइब टू फॉरगेट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।
और हम आप सबके रिप्लाइज का वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू रिप्लाई विद योर द कमेंट, कैसा लगा आपको ये वीडियो। हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस बाय गैल्वेनिक पॉडकास्ट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।